यूपीए स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में साहबगंज स्थित कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्विंटन मॉडल मिर्जापुर में स्वास्थ्य विभाग ने आयोजन के दौरान स्कूली बच्चों को जागरूक किया। सीएमओ ने मतदाता दिवस के अवसर पर मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर पोस्टर, दौड़, नृत्य और विविध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन बच्चों द्वारा किया गया एवं विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएमओ ने ब्राजील की बैडमिंटन की गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य यादव और उनके कोच पिता विजय यादव को सम्मानित किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि बचपन से ही शारीरिक गतिविधियों का अभ्यास एक स्वस्थ नागरिक का निर्माण करता है। यह आदतें भविष्य में गैर संचारी रोगों से बचाव करती है। इस दौर में बीपी, शुगर और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल जैसे गैर संचारी रोगों का मर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर बचपन से ही सही खान पान और व्यायाम का अभ्यास कराया जाए तो इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। मानसिक रोगों से बचाव के लिए बचपन से ही वाद विवाद, पोस्टर और निबंध जैसी प्रतियोगिताओं में बच्चों की प्रतिभागिता अहम है। उन्होंने बच्चों को बताया कि कुछ भी खाने से पहले, शौच से आने के बाद या कुछ भी छूने के बाद की स्वच्छता कई प्रकार के बीमारियों से बचाती है। ठेले खोमचे पर बिकने वाली चीजें नहीं खानी है, घर में बने पौष्टिक आहार का ही सेवन करें। इस अवसर पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नंद कुमार, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अश्वनी चौरसिया, डीएमओ अंगद सिंह, डी HEIO के एन बर्नवाल तथा बसंतपुर शहरी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, तो वो लोग दोहराएंगे, छोटे बच्चों से है अनुरोध कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर के इसको सुनेंगे तथा भविष्य में जब ये हमारे आधुनिक भारत, जो भारत अपनी एक नई कहानी लिख रहा है, आज आत्मनिर्भर भारत है, आज सर्वश्रेष्ठ भारत है, आज हमारी गाथा जो है पूरा विश्व गा रहा है, उस भारत के निर्माता बच्चों तुम हो, इसलिए तुम इन सब में भागीदार बनो और भारत को शीर्ष पर ले जाओ। इसी के साथ मैं इस शपथ को पढ़ूंगा, हम भारत के नागरिक की पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रस्तावित हुए निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बच्चों की प्रेरणा बनो, इनके पिताजी भी साथ में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप इनके कोच भी हैं, आप ही के द्वारा ये निर्मित की गई है, इस स्तर तक आई है, बहुत बहुत आपका मुबारक। उत्तर प्रदेश सरकार से निर्णय प्राप्त हुआ था कि 24, 25, 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस और संविधान दिवस, मतदाता दिवस और स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न आयोजन किए जाएंगे और एक उत्सव मनाया जाएगा। 24, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 24 तारीख को हमारा यूपी दिवस मनाया जाता है, आज मतदाता दिवस है और कल जो है हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस विद्यालय को चुना है, जहां पर
जो प्राइमरी पाठशाला है, जूनियर हाई स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा देने, बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने, एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं स्वास्थ्य का दूत बनाने के लिए हम लोगों ने इस विद्यालय का चयन किया। यहाँ पर पोषित आहार का वितरण किया गया है, यहाँ बच्चों को खेल कूद वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता को दिया गया है, तथा बच्चों को स्वच्छता से स्वस्थता की तरफ ले जाने का संदेश दिया गया है। बच्चों को प्रेरित किया गया है कि वही आने वाले आधुनिक भारत के निर्माता हैं और हमारी गतिविधियों में वो शरीक हों और हमारे संविधान को समझें, हमारे देश के राजनेताओं की गतिविधियों का बिल्कुल कहते हैं कि मूल्यांकन करें और आगे चल करके ये अपनी विभिन्न विधाओं में जिधर उनका इंटरेस्ट है। अभी आपने स्वयं देखा यहाँ पर डांस की प्रतियोगिता बच्चों ने रखी थी, बहुत सुंदर डांस था। बुक रेस रखी थी, बच्चों ने बैलेंस कमाल का दिखाया। इसके अलावा हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता थी, पोस्टर प्रतियोगिता थी, सब में बच्चों का सराहनीय था और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चल करके प्रदेश ही नहीं देश और विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। और हम अब ये कह सकते हैं बच्चों की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और सरकार ने जो कुछ दिया है इसे निश्चित रूप से हम लोग एक आधुनिक भारत के निर्माण करने को सपने को साकार कर सकेंगे। शपथ भी दिलाया गया बच्चों को, आज मतदाता दिवस है, बच्चों को जागरूक किया गया मतदान के प्रति, वो अपने माता पिता को प्रेरित करेंगे और यहाँ जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनको मतदाता दिवस की शपथ दिलाएंगे।